भी मनुष्य जब कभी भी बुद्ध बनने की ओर या अर्हत बनने की ओर या साधना में लीन होगा, साधना में आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, तो साधना में प्रगति करने पे उसको चार स्टॉप, चार चेक या चार उसके पड़ाव आएंगे। इन चार पड़ावों से पता चलेगा कि उसकी साधना कहाँ से कहाँ पहुँची है। ये बार बार बीच में भी आएगा, जब हम धम्पद बताएंगे या कोई कहानी बताएंगे तो उसमें हम कई बार कहेंगे कि ये सोतापन्न हो गए, ये अनागामी हो गए, ये सकदागामी हो गए या ये अर्हत हो गए। तो ये सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी और अर्हत चार जो शब्द हैं ये बार बार रिपीट होंगे, इसलिए इनको अच्छे से समझ लें कि सोतापन्न क्या होता है। सोतापन्न पहली अवस्था होती है जब कोई आदमी प्रगति करता है, साधना करता है, समाधि लगाता है और सीलों का पालन करके आगे बढ़ता है। सोतापन्न का मतलब होता है सोत से संपन्न, सोत से संपन्न। सोत के यहाँ दो मतलब हैं। सोत एक हम कान को भी बोलते हैं यानी सुनने से संपन्न, और एक हम इस सोत को बोलते हैं जहाँ से पानी का रिसाव होता है, पानी का स्रोत निकलता है। इसको हिंदी में बोलते हैं श्रोता संपन्न या श्रोतापति। सोतापति भी बोलते हैं, सोता संपन्न भी बोलते हैं, सोतापन या श्रोतापति। सात बार और ज़्यादा ज़्यादा बर्थ लेता है कोई आदमी अगर वो सोतापन्न हो जाता है यानी सोत से संपन्न हो जाता है। तो सोत या श्रोत होता क्या है? बेसिकली जितनी भी जानकारी हम इकट्ठी करते हैं वो जानकारी हमें कहीं से भी मिलती है, जो साधना के बारे में, प्रगति प्रज्ञा के बारे में, सील के बारे में, समाधि के बारे में, तो उसका एक सिस्टम बनाया हुआ है कि उस किस व्यक्ति को हम सोतापन्न कहेंगे या कौन आदमी सोतापन्न भूमि में आएगा। सोतापन्न भूमि का मतलब है सोतापन्न का फील्ड जिसको मिलेगा। सबसे पहले अगर उसको सत्काय दृष्टि आ जाती है, सत्काय दृष्टि या सत्काय दृष्टि क्या होती है, वो अपनी जो काया है, अपना जो शरीर है, उसके बारे में जानना शुरू कर देता है कि ये कैसे काम करता है, क्या काया होती है और इसका नाम यानी ये चलती कैसे, यानी कि जो इसका सॉफ्टवेयर है, मन जो है या नाम है वो कैसे काम करती है, ये बात उसे समझ में आनी शुरू हो जाती है किसी भी सोर्स से, चाहे वो वीडियो का सोर्स है, चाहे टीवी का सोर्स है, चाहे ऑडियो का है, चाहे वो किसी के सुन रहा है, देशना को सुन रहा है या पढ़ रहा है या उसे कोई पिक्चर दिखाई है, किसी भी सोर्स से आ जाए या किसी को देख के भी आ जाए। दूसरा होता है अगर वो विचिकित्सा यानी विचिकित्सा बोलते हैं पाली के अंदर, विचिकित्सा, चिकित्सा तो आप देखा होगा, चिकित्सक जो होते हैं उसमें वी लगा दें तो विचिकित्सा हो जाता है। विचिकित्सा का मतलब है कि संदेह ना होना, यानी कि संदेहों का निवारण। अगर उसके अंदर कोई संदेह है कि ये चीज़ कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, तो उसका अगर स्पष्टीकरण निवारण हो जाता है और वो संदेहों से परे हो जाता है। तीसरी बात इसके अंदर है कि उसको बुद्ध, धम्म और संघ के अंदर विश्वास होना चाहिए और सील, समाधि, प्रज्ञा से युक्त होना चाहिए। यानी कि अगर उस पर यकीन हो जाता है कि बुद्ध, धम्म और संघ की जो एजुकेशन है वो ठीक है और इससे मुझे फ़ायदा हो रहा है और वो देख रहा है, ये बातें तीनों अगर किसी को प्राप्त हो जाती हैं तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं कि ये सोता संपन्न हो गया, सोतापति हो गया। अब ये मैक्सिमम सात बार यानी ज़्यादा ज़्यादा सात बार जन्म लेगा अर्थ पर। कैसे? जब इसको कोई शरीर मिलेगा, यानी इसको, इसका जो मन है, मन के साथ में शरीर भी मिलेगा, तो ऐसे सात बर्थ और होंगे। सात बर्थ के बाद में उसका आठवां बर्थ नहीं होगा, उसकी जो रीबर्थ की फाइल है वो फाइल एलिमिनेट हो जाएगी, फिर उसका रीबर्थ नहीं होगा और वो हमेशा के लिए दुखों से मुक्त हो जाएगा। ये पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज जो आती है उसको बोलते हैं सकदागामी। सकदागामी, सकदागामी यानी सकता है एक बार और आगामी, यानी एक बार और अर्थ पे आ सकता है, शरीर के साथ में बर्थ ले ले सकता है इस स्टेज। मगर ये स्टेज कब आती है, ये भूमि कब आती है? अगर कोई आदमी सोता संपन्न होने के बाद अपने राग और देश और मोह मूर्ता को खत्म कर ले, राग, देश और मोह मूर्ता खत्म कर लेता है। राग आप जानते हैं, चाहिए चाहिए, दोष, जो दोष है या द्वेष है उसको बोलते हैं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, और मोह मूर्ता है कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए, यानी उत्पन्नी की बातें जो होती हैं। और एक बर्थ और इसका होगा बॉडी के साथ, उसके बाद बर्थ नहीं होगा, तो उसको हम कहते हैं कि सकदागामी, यानी एक बार और आ सकता है, आ सकता है, जरूरी नहीं है कि आए भी। फिर अगर कोई आदमी इससे आगे बढ़ता है और वो आगे आने के बाद में अपने काम और रागों को छोड़ देता है, ख़त्म कर देता है, जितने भी फीडिंग सोर्सेस हैं यानी कि आपकी छः इंद्रियाँ हैं, एक आपका नाक है, एक कान है, एक मुँह है, एक पूरे शरीर की त्वचा है, एक आपका जीव है और एक आपकी आँखें हैं, जहाँ से पूरी बॉडी के अंदर आता है, पांच सेंसर ये हैं, और छठा जो है वो आपका सोर्स है, आपका मन। अगर कोई आदमी इसमें काम और राग की, यानी कि काम जितना भी है
काम आप जानते हैं रटति क्रिया है, और राग है जितना भी चाहिए चाहिए की फीडिंग अगर छोड़ देता है और दूसरा उस पर रिएक्ट नहीं करता है। मतलब रिएक्ट कैसे करना होता है, रिएक्ट ऐसे करना होता है कि जैसे गुलाब जामुन मेरे सामने से आया और गुलाब जामुन आने के बाद में अगर मेरे मुंह से पानी नहीं आता है तो इसका मतलब मेरे शरीर ने उसको रिएक्ट नहीं किया। किसी आदमी ने मुझे गाली दी और गाली देने के बाद मैं बिल्कुल शांत हूँ और मेरे मन में शरीर में वचन में कहीं लेस मात्री एक हल्की सी भी शरीर के अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, ना ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ना ही घटता है, ना ही सांस ऊपर नीचे होती है, ना ही मेरी आँखें टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, ना ही मेरी नाक फूलती है और ना ही मेरी कोई बॉडी का पार्ट हिलता है और मैं बिल्कुल कूल रह रहता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो विरोध करने का, यानी कि कुछ मुझे अच्छा मिला तो उसका भी, गुलाब जामुन अच्छा मिला तो उसका भी मैंने प्रतिरोध या रोध या एक्ट नहीं किया, और किसी ने मुझे ख़राब कहा तो उसका भी मैंने कोई एक्ट नहीं किया। जब इस कंडीशन में मनुष्य आ जाता है तो उसे बोलते हैं अब ये अनागामी स्टेज में आ गया, अनागामी फील्ड में आ गया। अनागामी का मतलब है कि अब ये वापस नहीं आएगा, यानी कि अब ये वापस नहीं आएगा। इसका जो बर्थ है वो बर्थ एयर में होगा अब, यानी कि उसका अर्थ पे मटेरियल के साथ नहीं होगा। अब उसको हार्डवेयर नहीं मिलेगा, खाली सॉफ्टवेयर रहेगा। जैसे वाईफाई के थ्रू कोई हम सिग्नल भेजते हैं और वो सिग्नल एयर में रहता है, बस ऐसे वो एयर में रहेगा और वो कोई बॉडी नहीं लेगा और एयर में अपना टाइम पूरा करेगा और उसके बाद में वो उसकी जो रीबर्थ की फाइल है वो एयर से एयर में डिट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और वो दोबारा से बर्थ नहीं ले लेगा। उसके बाद में आता है अर्ध भूमि। अर्ध भूमि क्या है, जिसने एयर में अगर जन्म लिया हुआ है यानी एयर में अगर बर्थ है, उसका सॉफ्टवेयर एयर में है, तो वो ख़त्म कैसे होता है। अर्ध भूमि लास्ट भूमि होती है, अर्ध भूमि के बाद में निर्वाण हो जाता है, फिर उसका रीबर्थ की फाइल हमेशा के लिए एलिमिनेट हो जाती है। अर्ध भूमि के लिए आपको रूप राग जो होना चाहिए, रूप राग का मतलब है कि शरीर पाने की इच्छा समाप्त हो जानी चाहिए, यानी कि आपकी जो आपका सॉफ्टवेयर एयर के अंदर विलीन है या जो आप अगर बॉडी के साथ भी हैं तो आपकी शरीर पाने की इच्छा इसी बर्थ में ख़त्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल आपको रीबर्थ का बिल्कुल भी, नेक्स्ट बर्थ का बिल्कुल भी कहीं भी सिम्टम्स नहीं आना चाहिए कि अब मुझे दोबारा से जन्म ले लेना है। अरूप राग होता है, अरूप राग होता है शरीर ना पाने की इच्छा, यानी कि आपको अंदर ये इच्छा भी नहीं आनी चाहिए कि अब मुझे शरीर नहीं लेना है। ये कमाल की बात है कि अर्थ वही व्यक्ति होता है जो दोनों इच्छाएँ रखता है कि मेरा शरीर के साथ में जन्म नहीं होना चाहिए, ऐसी इच्छा भी ना रखे और जन्म ना भी ले, यानी उसके समाप्त भी हो जाए। जैसे अगर मैं ये कोशिश करूं कि मैं अर्हत होना चाहता हूं और मैं तपस्या करूं और मैं ये कहूं मैं अर्हत होना चाहता हूं, मैं अर्हत होना चाहता हूं, मैं अर्हत होना चाहता हूं, तो मैं जीवन में भी अर्हत नहीं हो सकता। या मैं साधना में बैठूं, विपस्ना बैठूं और ये सोच के बैठूं कि आज तो मैं विपस्ना में बहुत कुछ पा के रहूंगा और मैंने तो सारे काम बहुत अच्छे दुनिया में किए हैं और मैं तो बहुत ही सुपरस्टार हूं और मैं आज से करके छोड़ूंगा और मुझसे तो कोई चीज़ छूटती नहीं है, तो मैं कुछ नहीं पा सकता। क्योंकि साधना में सबसे पहले आपने इच्छा खत्म करनी है, अगर इच्छा खत्म करेंगे तो आपको शरीर पाने की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए और शरीर ना पाने की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, यानी कि रूपराग और अरूपराग दोनों ही खत्म होनी चाहिए। फिर आपको मान खत्म होना चाहिए, मान का मतलब है अपमान, मान और सम्मान, यानी कि अह पाने की इच्छा, यानी कि खुद को पाने की इच्छा, ये इच्छा भी नहीं होनी चाहिए कि भाई अगर मैं सुधीर राज सिंह हूँ तो मैं सुधीर राज सिंह बन के दोबारा से बर्थ लूँ, या मैं बर्थ लूँ, या मेरा ये सुधीर राज सिंह वाला जो मेरा रूप है, मेरा हार्डवेयर है, मेरी त्वचा, मेरी खाल, मेरी नाक, कान है, ये दोबारा से प्राप्त हों, ये भी नहीं चाहिए। तो यह पूरा ख़त्म होना चाहिए और इसमें उद्धच्च भी ख़त्म होना चाहिए। उद्धच्च क्या होता है, उद्धच्च होता है अहंकार या उत्पना, कई बार उत्पना होता है, उस उत्पने में भी और अहंकार को समाप्ति होनी चाहिए और अविद्या यानी अविद्या भी समाप्त होनी चाहिए। अविद्या समाप्त अगर नहीं होगी आपकी तो फिर आपको सारे के सारे जो सेंसर हैं वो कुछ ना कुछ फीड करते रहेंगे, तो आपको अविद्या भी आनी चाहिए यानी अविद्या भी आनी चाहिए, इग्नोरेंस भी आपकी ख़त्म होनी चाहिए। ये चीज़ें जैसे ही आ जाती हैं वैसे ही बॉडी आपके सॉफ्टवेयर में आपके रीबर्थ की फाइल को कंप्लीट एलिमिनेट कर देती है, यानी लेट कर देती है, ख़त्म कर देती है, उसका विनाश कर देती है, फिर वो फाइल दोबारा से जनरेट नहीं हो सकती। और अगर वो फाइल दोबारा से जनरेट नहीं होगी, क्योंकि रीबर्थ की फाइल ही नहीं है उसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, तो सॉफ्टवेयर ऑपरेट ही नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर, जब हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को लोड करते हैं और उसमें अगर आपके किसी भी हालत में सॉफ्टवेयर को लोड करने वाली फाइल ना हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर की लोड करने वाली फाइल का एक नाम होता है, अगर उसके अंदर वो फाइल ना होगी तो पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर लोड ही नहीं होगा, प्ले ही नहीं होगा,
एक्टिविटी नहीं होगा। इसी तरह से वो फाइल को एलिमिनेट करना होता है। ये बिल्कुल प्योर साइंटिफिक है जो बुद्ध ने बताया है। वो 2500 साल पहले जो बताया था, आज एक एक कंप्यूटर में, एक एक मोबाइल में और सुपर कंप्यूटर में इस्तेमाल हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारी की सारी अभिधम्म पीटक के ऊपर बनी हुई है। सब लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। ये ऐसी साइंस है जिसको आइंस्टीन ने भी माना है कि बुद्ध की साइंस का आज तक भी कोई जवाब नहीं है। धन्यवाद।